माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स के डर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम फियर? जैसा आपको पता है कि ऑलरेडी परीक्षा शुरू हो चुकी है 7 की। क्यों एक बच्चा अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकता? व्हाट इज रीजन ही इज नॉट एबल टू फोकस ऑन हिज स्टडीज? सो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जनरली जो बच्चे तो 5 महीने रहते हैं एग्जाम से पहले, वो टाइम पे हम पढ़ाई नहीं करते, खेलते हैं, कूदते हैं, एज यूजुअल विल डू ऑल द एक्टिविटीज। नहीं, वो तो करना ज़रूरी है, बच्चे खेलेंगे नहीं तो कैसे। मगर अगर आपकी तैयारी पूरी तरह से ना हो, यू आर नॉट डूइंग द वर्क इन ए प्रॉपर मैनर, देन यू विल सफर लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जाम। 5 महीने का काम एक दिन में तो नहीं होगा भाई, इट इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क विच यू केप्ट बिहाइंड। व्हाट द वर्क यू हैव, व्हाट इज द थिंग्स यू आर डूइंग, मीन्स यू नो दैट यू हैव टू राइट योर एसएमएन एग्जामिनेशन इन अक्टूबर मंथ, बट यू आर थिंकिंग दैट बिफोर द एग्जाम आई विल डील ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द बुक्स, वॉट एवर इज गिवन इन द चैप्टर्स। तो भाई, एक 5 महीने का वर्क एक दिन में तो नहीं होगा खत्म। फिर आ जाता है डर। सो ये डर कहता है कि मैं एग्जाम नहीं लिखने दूंगा, मीन्स आई एम नॉट एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आई एम नॉट एलिजिबल। खुद को आप एलिजिबल नहीं समझ रहे, जब आपका दिमाग बता रहा है कि माई ब्रेन इज एम्प्टी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी ब्रेन डज नॉट वर्क। एग्जाम के टाइम पे अगर आप एम्प्टी ब्रेन लेके डर से जाओगे तो कहाँ से आपको मार्क्स आएंगे? मैं ये नहीं मानता कि हर बच्चा मुद्दू होता है और हर बच्चा क्लेवर होता है। एवरी गॉड हैज गिवन इक्वल ब्रेन टू एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट, हर के हर बच्चे के पास इक्वल ब्रेन है, ये एज इट इज है। कि क्यों अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो? क्यों डर रहे हो एग्जाम से? क्यों अपने किताब को दोस्त नहीं समझते? क्यों हमेशा बाजू वाले को फोकस करते हो? व्हाई नॉट कीप अ कॉम्पिटिशन विथ योर सेल्फ? इफ यू आर एलिजिबल देन व्हाई नॉट योर सेल्फ? भाई, आप प्रूव ना करेंगे तो कब प्रूव करोगे? कब तक कहते रहोगे दिल्ली दूर है? हाउ मेनी टाइम्स यू विल से दैट एग्जाम इज फॉर? बी रेडी फॉर एग्जाम्स, बी रेडी विद द प्रिपरेशन, मेक योर सब्जेक्ट एज योर फ्रेंड्स,